धन है धन है धन है गुरु ग्रंथ साहिब जी धन है। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, मेरा सतगुर नानक चैनल सबसक्राइब कर लियो, बैल आइकन प्रेस कर लियो, नोटिफिकेशन दे लई वीडियो नू शेयर करियो ते लाइक कमेंट भी जरूर करियो। जिहड़े वीर भैण नाल जुड़े हुए ने तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद ते बहुत बहुत शुक्रिया। परमात्मा करे तुहानू बहुत बहुत तरक्कियां बख्शिश करे। गुरु प्यार वालिओ, अज आपां इक चीज़ नू समझना है, पाठ करन दा कोई फायदा नहीं जदों ये काम आपां नहीं करदे। आओ समझण दा यतन करिए। फतेह बुलाओ जी आखो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यार वालिओ, गुरबाणी दा पाठ आपां सारे करदे होवांगे। जिहड़े करदे ने धन्नता दे योग ने, जिहड़े नहीं करदे मेरी बेनती है कि जरूर करिया करो। रंग लगदा लगदा ही लग जांदा है। पाठ करन वालियां दी सेवा करांगे ते मन च चाह बनेगा साडे भी कि असी भी पाठ करिए। लगदा लगदा मन लग जाएगा, जुड़दा जुड़दा जुड़ जाएगा पाठ करन वालियां दी संगत, क्योंकि जिहो जी संगत करांगे उही जी रंगत मन फड़दा है। गुरु प्यारे, वो जिहड़े पाठ करदे ने ना, कईआं दे सवाल ने, मैं तां अज बेनती कर रहा, नहीं जरूरत नहीं सी। कईआं दे मन विच भावना हुंदी है, सवाल भी कर दिंदे ने, भाई साहब जी सानू दसो जी पाठ असीं करदे आ, अर्थ नहीं समझ आउंदे जी, फिर पाठ करन दा की फायदा जी। गुरु साहिब साडे कारज नहीं रास करदे जी, पाठ करन दा की फायदा। मैं बेनती करनी है, बस तवज्जो दिओ, केवल कुछ कु संखेप मात्र बेनतियां ही आपां समझणियां ने। गुरु प्यारिओ, जदों अपनी इच्छा कोई ना पूरी होवे, बंदा पाठ करनों हट जाए, तो समझ लो कि वह बंदा स्वार्थी है। वह गुरु नूं अपनी प्रतिष्ठा पूरी करन दे लई पाठ करके विखा रहा सी। गुरु साहिब उहदे ते विश्वास नहीं करदे। पातशाह नूं स्वार्थी कहिंदे ने, उहनूं लालची कहिंदे ने। जिहड़ा निस्वार्थ सेवा करे, पाठ करे, जिहड़ा कोई मंग ना मंगे, पातशाह कहिंदे ने तूं गुरु दा सिमरन करी, तूं उद्यम करी, तूं उपराला करी, फल दी चिंता ना करी, फल तैनूं आपे मिलेगा प्यारिया जदों तू गुरु नाल जुड़िया रहेगा। फल दी चिंता ना करी, जे तू फल दी चिंता करेगा प्यारिया, फिर कहिंदे ने तू रब नाल सच्ची प्रीत नहीं जोड़ सकदा। कल भी आपां बेनती कीती सी ना कि पातशाह दे घर विच की नहीं है, सब कुछ दे सकदे ने पातशाह, तेरा काम सिर्फ इको ही होवे, सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे, ते उहदी सिफत सलाह करनी है प्यारिया, नाम नूं मन च वसाउणा है ते फल तैनूं परमात्मा अपने आप देगा। गुरु प्यारिओ, कदे भी फल की आस रख के पाठ किया होया पाठ उहदे विच तुहाडा मन नहीं लगेगा। तो गुरु प्यारिओ, पाठ हमेशा करना है तो गुरु नूं अरदास बेनती करके करना है। हे पातशाह, कृपा करी मेरे कलजुगी जीव ते, तैं मैनूं पाठ करन दा समां दित्ता, तेरा शुक्रिया है, धन्नवाद है। हे पातशाह, मेरा पाठ करना मेरे वस की गल नहीं, ये भी तुसी ही सेवा करवा रहे हो। मन च भावना रखो, कार्ज परमात्मा अपने आप सफले कर देगा। तो गुरु प्यारिओ, कई पाठ करनों हट जाते ने भी सानू अर्थ नहीं समझ आते जी, पाठ करन दा की फायदा जी, पाठ का फल नहीं मिलता जी, इदा फिर साढ़े ना गलतियां हो जांदियां ने। ते पाठ करिए ता करिए किवें, इदा दे बहुत मन दे विच ख्याल भी आउंदे ने, ते कई बहाने भी घड़ के रखे हुए ने पाठ ना करन वाले, पाठ ना करना पए। गुरु प्यारिओ, जिहड़ा बच्चा जिंदगी च बहाने घड़न च एक्सपर्ट हो जांदा ना, वह बंदा वह बच्चा वड्डा हो के कदे सक्सैसफुल नहीं बनता। साध संगत थोड़ी जी बेनती करनी है, पाठ करे हुए दा फल कदों मिलता है?
गुरु प्यारे हो, एक दफा गुरु हर राय साहब जी सतवे पातशाह संगतां नाल जांदे ने, ते जांदे जांदे उन्होंने सवाल कर दिता कि सतगुरु जी पाठ करन दा फायदा की, जे पाठ की समझ ना आए सानू अर्थ नहीं समझ आउंदे। पातशाह कहिंदे आओ समझाउंदे आ भाई। जंगल विच जांदे ने ते गुरु प्यारे हो, जंगल विच जांदे जांदे एक मटके दे उपर निगाह पैंदी है जिहड़ा फुटिया पिया है, ठीकरियां पईयां ने। वो ठीकरियां चमक दे रही ने, वह चमकार दे रही ने, सूरज की रोशनी पै रही है तो वह चमक दे रही ने। पातशाह कोले जांदे ने, संगत भी नाल जांदी है। मेरे पातशाह जाके अपने हाथ विच जो सूआ फड़िया ना, सुंबा जिन्हों सोटी कह दें, उहदे नाल हिलाउंदे ने पातशाह। तो पातशाह कहिंदे ने भाई देखो इस वल ध्यान नाल देखो, ये एक मटकी है जिदे विच पता नहीं किन्ने लम्मे समय तो पिछे दुध रिड़किया गया होना, तो वह दुध ने अपनी छाप छड़ दित्ती, इहदे विच चिकनाई ठहर गई, तो उही चिकनाई अज सूरज दीआं किरणां दे नाल उभर के बाहर आ रही है। उही चिकनाई है ते उही चिकनाई जिहड़ी सी इस भांडे ने कबूल कर ली, ते उही चिकनाहट अज सूरज दीआं किरणां पैण करके चमक दमक दे रही है। तुसीं पुछिआ सी ना भी पाठ करन दा फायदा की, गुरु प्यारे हो जे तुसीं पाठ करदे हो ना, पातशाह कहिंदे तां इक ना इक दिन तुहाडा मन रूप भांडा जिहड़ा ना उह गुरु रूप चिकनाई जिहड़ी है जरूर फड़ेगा, जरूर इस मन च गल आएगी भी मैं पाठ करना। माड़ा काम करेगा प्यारिया तां भी तैनू याद आएगी, नहीं मैं पाठ करदा गुरबाणी दा। पातशाह कहिंदे ने जदों तैनू अर्थ समझ ना आउण तू पाठ करना छड़ दिन्ना, पातशाह कहिंदे ओ गलत गल है प्यारिया, गुरबाणी दा लड़ छड़ना नहीं है, उहदा लड़ ते हमेशा फड़ के रखना है, ते अपने हिरदे रूप भांडे विच नित्ता प्रति जदों गुरबाणी दा शब्द पढ़िया जाएगा, ये जिहड़ी नाम दी चिकनाई है ना अंदर टिक जाएगी, ते फिर ओ भांडा भी उस प्रभाव नूं कबूल लएगा। साध संगत एक ना एक दिन ये मन रूप जिहड़ा भांडा है ना ये गुरु का प्रभाव कबूल के रहेगा। हुण स्टील दे भांडे विच लगातार खट्टी चीज़ जां हुण दही जमाउणा आरंभ कर दिओ, रोज़ रोज़ उहदे विच फिर जाग लाउण दी लोड़ नहीं पैंदी, दही अपने आप जम्मणी शुरू हो जाती है क्योंकि भांडा भी खट्याई नूं कबूल लैंदा है। इस तरह मन है, जदों मन अंदरों प्रभाव कबूल लैंदा ना गुरु वाला, फिर इहदी जबान तो अपने आप चलण लग जांदा है, फिर ये अपने आप कहिंदा है वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु, फिर अपने आप इहदी जबान तो जाप चलदा है। इहनूं कहिंदे ने कि अंदर हिरदे च गुरबाणी दा वस जाना। जदों हिरदे च गुरबाणी वस जांदी है ना, नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे, बस प्यारे हो जदों मन च गुरबाणी बस जाए, अंदर हिरदे रूप घर च उहदा जाप वस जाए, नाम जदों नाम जिन्हां दे अंदर वस जांदा है वाजे शब्द कनेरे, फिर अनेकां शब्द वजदे ने, वाजे शब्द कनेरे, गुरु दे अनेकां शब्द सिफत वाले उभर के जुबान तो बाहर आउंदे ने। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही करते रह, हे पातशाह मैं ते दुनियावी दाता ही मंगदा रहा, पर तेरे घर विच तां बड़ियां वड्डियां दाता ने, रहमतां ने मेरे पातशाह, मैनू ओ दाता नाल जोड़ी, ये भावना ये मनोरथ साडा असल होवे, उत्थे पातशाह कृपा करदे ने। हुण जिहड़े कहिंदे ने पाठ करन दा कोई फायदा नहीं, ये फायदा है भाई पाठ करन दा, जदों तक असी ये काम नहीं करते, गुरु ते भरोसा बनाउणा पैणा है। पाठ च मन नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, जदों असी मन दे पिछे लग जाते हैं, मन जिधर नूं कहिंदा उधर नूं तुर पैंदा है, मन कहिंदा गुरु घर नहीं जाना, ये मन की गल मन लैंदा भी नहीं अज नहीं जाना ते नहीं जाना, कित्थे ये कहे भी नहीं मैं तो गुरु घर जाना ही जाना है, मन मन्ने ना मन्ने,
मन मानिया तो हर जाने मन ता मनेगा जे ये उपर आपां अपना रूप जमावे अपना इंप्रेशन जमावे जे मन के पिछे लगते रहे मन ते जाके खूच सिट देगा। तो गुरु प्यारियो आपां गुरबाणी विचों पढ़ते हैं हरुए हरुए तिर गए डूबे जिन सिर भार ये ओ डुबे ने जिन्हां दे सिर भार बन गया भार बनिया किवें जिहड़े मन दे पिछे तुरदे रहे जिहड़े मन दी मत नाल तुरदे रहे ओ डुब गए ओ तर गए जिन्हां ने मन नूं साइड करके गुरु दे नाल चित ला लिया ओ तर गए ने। मैं बेनती करदा हुंदा सत संगत मन रूप जिहड़ा ड्राइवर बैठा ना शरीर रूप गड्डी नूं दवली फिरदा है जे कह दे पाठ नहीं करना तो यह पाठ करना छड़ दिंदा जे ये कह दे भी किधरे जाना तो फिर उधर नूं तुर पैंदा है उठ के। हालांकि मन कोई इंद्रा नहीं मन च सिर्फ की है एक सोच बसी हुई है वो सोच ही बंदे नूं दौड़ाई फिरदी है। सत संगत इस करके ये सोच नूं कंट्रोल करके इनू उल्ट प्रभाव दिओ। जे ये सोच पैदा होंदी है भी गुरु घर नहीं जाना उहदी ना सुणो नूं कह भी नहीं मैं गुरु घर जाना है। जे कहिंदा पाठ नहीं करना भी नहीं मैं ते पाठ करना है क्योंकि कलयुग धक्का मारदा है मन दी सोच ते आके अटैक करदा है। ते प्यारिओ जदों ये गल अंदर घर कर गई ना तीन चार वार इदां कलयुग की हार हो गई इदां मन की मत पिछे लगनों हट गया तो वह भी कहनों हट जाएगा फिर पातशाह अपनी बाणी का नाम तेरे मन रूप भांडे ते चाड़ देगा वह पान चाड़ देगा फिर यदि जुबान तो निकलेगा आनंद सुन हो वडभागी हो फिर आनंद ही आनंद सुनेगा। गुरु प्यारियो साचे साहेबा क्या ना ही घर तेरा करता तेरा सब कुछ है जिस देहे सो पावे उहदे घर विच सब कुछ है उहनू दंदा जिहड़ा उहदे नाल जुड़ जांदा ते जिहड़ा उहनू त्यौंदा है जिहड़ा उहदे नाल प्रीत पाउंदा है मेरे पातशाह उहनू बख्शदे ने सब दातां। फिर मंगण दी लोड़ नहीं रहिंदी फिर पातशाह बिना मंगियां तो झोली विच पा दिंदे ने अपने प्यारे दी प्रतीत नू प्रीत नू समझदे ने मेरे पातशाह ऐसी है धन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी। गुरु प्यारे पाठ करना कदी ना छड्डो बच्चियां नू भी नाल जोड़िया करो आप भी जुड़ो घर दे विच एक गुटका साहिब गुरबाणी दा लिया के रखो कदे कदे मोबाइल तो करो कदे कदे गुटका साहिब चाके करो शरदा ज़्यादा बनती है। गुटका साहिब दी सांभ संभाल रखो सत संगत गुरबाणी घरों कढ़ती असी तां ही अज घरां दे हालात होए ने। अज ही ये गल नोट कर लियो कोई गुरद्वारा साहब नेड़े है गुटका साहब खरीद के घर लेके आओ महसूस करियो भी साडे घर दे विच गुरु साहब आप आ गए शब्द गुरु आ गया होर किसी की लोड़ नहीं प्यारे उत्थे बरकतां इकट्ठियां होंदियां ने। पातशाह जी कृपा करन मेरा सतगुरु नानक चैनल नाल जुड़े रहो ते वीडियो शेयर करियो लाइक कमेंट भी जरूर करियो बेनतियां करो जी परवान बुलाओ फतेह आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।